खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल पांडे। टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बार फिर शोक की लहर छा गई है। दरअसल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जैसे मशहूर सीरियल में काम करने वाली वैशाली ठक्कर ने इंदौर में सुसाइड कर लिया है। बीते दिन वैशाली ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल वैशाली के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें वैशाली ने अपनी आत्महत्या की वजह का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें हत्या का इशारा वैशाली के एक्स बॉयफ्रेंड पर जा रहा है। दरअसल वैशाली ने इस सुसाइड नोट में लिखा है कि उनके जो एक्स बॉयफ्रेंड थे वो उन्हें बहुत प्रताड़ित करते थे, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि बॉयफ्रेंड की प्रताड़ना से तंग आकर वैशाली ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि 5 दिन पहले तक वैशाली सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव थी। वो सोशल मीडिया पर अक्सर रील और पोस्ट शेयर करती रहती थी, लेकिन कभी भी किसी को ये पता नहीं चल पाया कि इस हंसती मुस्कुराती चेहरे के पीछे कितना बड़ा गम छुपा है। 5 दिन पहले वैशाली ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की थी, जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस रील में वैशाली एक मशहूर गाने पर लिपसिंग कर रही थी। ये गाना था दिल जिगर नजर क्या है तेरे लिए जान भी दे दूं, जिसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि वैशाली ने तो इस रील को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और अब उन्होंने सच में जान दे दी है। फिलहाल पूरे मामले की वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो पता चल रहा है उसके मुताबिक वैशाली ने बॉयफ्रेंड की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर लिया। आपको बता दें वैशाली मशहूर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम कर चुकी हैं। इसमें उन्होंने संजू का किरदार निभाया था। इस शो के लिए उन्हें घर घर में जाना जाता था और उन्हें बहुत ज्यादा पहचान भी मिली थी। इस शो से उन्हें हर घर में पहचान मिली, साथ ही उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। सबको उम्मीद थी कि वैशाली आगे जाके बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनेंगी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को सदमे में डाल दिया है। फिलहाल हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर वैशाली ने ऐसा क्यों किया। इस सुसाइड नोट में बॉयफ्रेंड का तो जिक्र है, लेकिन वो उन्हें किस तरह से प्रताड़ित करते थे, क्या कहते थे, अब तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।